आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए राणा गुरमीत सिंह सोनी। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनलों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज की धरती से पीएम मोदी का विरोधियों का जवाब, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बताई वजह। लखीमपुर खीरी केस में राहुल गांधी बोले, पीएम किसानों से माफी मांगते हैं, कैबिनेट से किसानों के हत्यारे को नहीं हटाते। कोरोना से 453 मौतों के साथ 24 घंटे में आए 5000 नए केस, ओमिक्रॉन के मामले हुए 200। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता करका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं, जहां एक दूसरे के प्रहार करने के किसी भी मौके को कोई गंवाना नहीं चाहता। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में चुनावी रणनीति के बीच उत्तराखंड में दो पूर्व मुख्यमंत्री की देहरादून मुलाकात हुई, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। एक सवाल ने पूरे माहौल को ठहाके में तब्दील कर दिया। हुआ यूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत से उनकी उम्र पूछ ली और कहा कि अब कितने साल के हो गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत को कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो वहीं कहा बीजेपी में सही उम्र बता दी, रिटायरमेंट भी हो जाता है और कांग्रेस की तरह नहीं कि उम्र की बढ़ाई जाए तब नेता चलते जाए। हरिद्वार में बैठक का आयोजन किया गया, जहां सैनी धर्म आश्रम में हुआ। साथ ही हरिद्वार जिले के हर विधानसभा में कांग्रेस के भावी उम्मीदवारों को बुलाकर उनसे हाईकमान के अधिकारियों ने उनसे बातचीत की कि किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में क्या तैयारियां। हर भावी उम्मीदवार का इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें हर उम्मीदवार से अपनी अपनी योजनाएं बताए। जैसे ज्वालापुर के भावी उम्मीदवार रवि बहादुर ने ज्वालापुर विधानसभा में सड़क का विकास नहीं हुआ, विद्यालय नहीं बने व बच्चों को डिग्री कॉलेज नहीं मिले, ऐसी हर योजना का हाईकमान को बताया, जिसमें हर उम्मीदवार ने अपनी अपनी योजनाएं हाईकमान को बताई। उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य आज आए हुए हैं, उन्होंने सभी दावेदारों से आवेदन जिन्होंने किया है उनसे आज इंटरव्यू लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका जीता हुआ आंकड़ा क्या है, आप क्या चुनाव कि को किस तरीके से आप जीतेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके पास। तो हमने उस विषय पर बात की, हमारे क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है बेरोजगारी है और महंगाई है, ये कहने का बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्षेत्र के अंदर पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य। कलेर विधानसभा के ग्राम मेमली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता और वरिष्ठ समाज सेवी मुनीश सैनी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें विधवा पेंशन विकलांग प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन बनाए गए। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही पंकज पाल ने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं होती है उससे लोग लाभान्वित होते हैं। उत्तराखंड सरकार व भारत सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो भारत के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिविर आज लगाया गया है, ये माननीय मुनीश सैनी जी के द्वारा हमारे डीएम साहब से प्रशासन से जो है भाग लेंगे, और हमारी विधानसभा में जो है चार शिविर लगाए गए हैं। पहला हमारा कुंभा वाला माजरी में लगाया गया था, दूसरा धोरी में, तीसरा भारापुर में, और आज चौथा जो है बहुत देर से कैंप है आज बिलीखेड़ा गाँव में इसका आयोजन किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सक्षम नहीं हो पाते कि वो कचहरी वगैरह में जा पाए या कुछ भी कर पाए, अधिकारियों के पास जा पाए, तो आज सभी अधिकारी यहां पर मौजूद है और उनकी जो भी चाहे वो विकलांगता पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसान पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांगता के जो सर्टिफिकेट हो। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीएम काला ढूंगी रेखा
कोहली, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और तहसीलदार प्रियंका रानी ने कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान एसडीएम कोहली ने कहा कि अपनी अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कहा कि एक छोटी सी भूल चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। उन्होंने सभी कर्मचारियों का चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों और गाइडलाइन को सही से समझ लें ताकि चुनाव के दौरान किसी परेशानी से बचा जा सके। सेक्टर मजिस्ट्रेटों के आदर्श आचार संहिता के बारे में स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी भी दी गई। समीक्षा के दौरान एसडीएम कोहली ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त माहौल से संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारियों की होगी। 60 कालाडूंगी हमारी विधानसभा में हमारे द्वारा 6 जोन बनाए गए हैं और 15 सेक्टर्स बनाए गए हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग सेशन आज यहाँ पे हम लोगों ने रखा था। हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। इनकी ट्रेनिंग्स हुई है और इनको अपने जा के अपने सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं, क्या हमारे क्रिटिकल हैं, क्या वल्नरेबल हैं, ये इनको वहाँ पर जाकर देखना है। और हमारे जो पोलिंग बूथ हैं उसमें हमारी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इनको सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं। आज हमारे सभी यहाँ पर कर्मचारी उपस्थित हैं और अब जाके अपनी ये लोग वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे। खबर कालाडूंगी से है जहां चुनाव को लेकर उपजिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है जहां पर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। और समीक्षा के दौरान एसडीएम कोहली ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारियों की होगी। लक्सर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने लक्सर में जनसंवाद किया, जहां इस दौरान लक्सर, खानपुर सहित जिले के विभिन्न जगहों से आए लोगों ने उनको अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनसंवाद का मतलब है कि लोगों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनसे पुलिसिंग के संबंध में सुझाव प्राप्त करना। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से आदेशित किया गया है कि कम से कम 3 महीने से एक बार हर थाने में जनसंवाद होना चाहिए। उन्होंने बताया कि लक्सर में आकर उनकी तरफ से जनसंवाद किया गया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी उनके संज्ञान में आई हैं। जल्द ही समस्याओं का समाधान निकाले जाने की भी बात कही गई है। देखिए, जनसंवाद का पर्पज है लोगों के बीच आकर के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे सुझाव प्राप्त करना पुलिसिंग के संबंध में। तो हमने ये आदेशित किया है कि हर थाने में कम से कम 3 महीने में जनसंवाद जरूर होना चाहिए हर थाने में। तो किसी में SSP जाएंगे, किसी में SP एडिशनल SP जाएंगे, किसी में DIG जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा प्रयास था, ये लक्सर क्षेत्र में आकर के हमने लोगों से जनसंवाद किया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएँ भी हमारे संज्ञान में आई हैं। उनमें से कुछ थाना चौकी की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ गाड़ियों से संबंधित है और कुछ जो है लोगों की समस्याएं जो ड्रग्स और ट्रैफिक आदि को लेकर के थी। तो सब के बारे में हमने गहराई से सुना है। खबर लक्सर से है जहां पुलिस महानिदेशक ने किया है जनसंवाद, जल्द ही समस्याओं का होगा समाधान। वहां पर पुलिस महानिदेशक ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बोला गया है कि वहां इस तरीके के जनसंवाद कार्यक्रम अधिकतर होने चाहिए जिससे लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याएं सुननी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर महीने इस तरीके के जनसंवाद कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि लोग अपनी समस्याओं बता सके और जिसका निष्कर्ष भी उनको मिल सके। विधानसभा के 2022 के विधानसभा चुनाव आते के साथ ही चुनाव जैसे ही आते हैं तब जगह जगह जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसके चलते वहां पर लोगों के बीच जाकर ताकि जनसंवाद किया जा सके और लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनको जान सके। इस तरीके के जनसंवाद कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक में किया गया जहां पर लोगों की समस्याएं जानी गई। वहां पे लोगों ने अपनी समस्याओं पर खुलकर बात की और जिसपे उन्होंने महानिदेशक से बात की जिसपे उनको निष्कर्ष दिया गया।
गंगोली हाट विधानसभा के चौकोड़ी में विजय संकल्प यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी का रथ बेरीनाक जीआईसी मैदान पहुंचा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधायक और मीना गंगोल ने उनकी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं विधायक मीना गंगोल ने अपने 4 वर्ष 8 महीने के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया। वहीं लोकसभा सांसद अजय तामटा सांसद ने कहा कोविड-19 के दौरान सरकार ने फ्री राशन देने का काम किया है और फिर वैक्सीन लगाए और क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को लेकर जनता से वोट देने की अपील की। इस मैदान में रैली प्रभारी पुष्कर काला सिंह सहित कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विजय संकल्प यात्रा का पड़ाव बेरीनाक ब्लॉक गंगोलीहाट विधानसभा का बेरीनाक ब्लॉक में पड़ा, जिसमें अपार जनसमूह उमड़ा और मैं विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के ओने कोने से आए हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपने इस सफल कार्यक्रम में भागीदारी करी और मैं माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो इस रैली में भागीदारी करी और उससे संदेश जाता है कि अवश्य ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगी और यहाँ से विधायक जीत के जाएंगे। विधानसभा चुनाव का पारा जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दल भी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। रैली और जनसभाओं का दौर जारी है, जहां भाजपा की विदेश शंकरनाथ रैली के बाद जिले में कांग्रेस ने भी हरिद्वार सम्मान यात्रा का आगाज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने भगवानपुर विधानसभा में यात्रा की शुरुआत की, जो जनपद की तमाम विधानसभा में निकाली जाएगी। भगवानपुर से हरिद्वार सम्मान यात्रा के आगाज पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पूरा विश्वास है कि हरिद्वार की जनता यात्रा को अपना भरपूर समर्थन देवी रावत ने दल बल की, जहां राजनीति के सवाल पर कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता समझ चुकी है और भगवानपुर ने कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली जीत होगी। वहीं भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि यह रैली जो विधानसभा भगवानपुर में निकाली जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और कांग्रेस की रैलियों में उमड़ रही है। भीड़ से भाजपा परेशान है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की जनता से कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेगी। हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की दुआओं से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी उसी तरह से कार्य होंगे जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर के रुक गए थे। मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जो सपने अधूरे रह गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार करते हुए उन कार्यों को पूरा नहीं किया है और अब हमारी सरकार आएगी, भगवानपुर की सम्मानित जनता के सारे कार्य पूरे होंगे, उनका सभी सपने पूरे होंगे जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी। भाजपा तो पाखंड कर रही है, उनकी यात्रा उबाऊ है, लोगों में जोश नहीं है और कांग्रेस की यात्राओं में चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे सम्मान यात्रा हो, चाहे वीरग्राम प्रणाम यात्रा हो, कोई यात्रा हो, उस यात्रा में लोगों में जोश है, लोगों में जुनून है, उत्साह और उमंग से भरपूर हैं। तो ये लोगों की भावना चीख चीख करके कह रही है कि उत्तराखंड में 2022 में परिवर्तन आ रहा है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मसूरी पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर हर साल विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इस बार 3 दिनों तक यहाँ पर उसका आयोजन करने पर विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर SDM मसूरी ने विंटर लाइन कार्निवाल समेत व्यापार संघ व शहरवासियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उनके सुझाव के लिए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए SDM मनीष कुमार ने बताया कि इस बार विंटर लाइन कार्निवाल सूक्ष्म रूप से और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। साकेत रूप से कार्निवाल का आयोजन करेंगे और बताया गया कि 27-28-29 तारीख को विंटर लाइन कार्निवाल करने की तैयारी पर विचार किया जा रहा है। देखिए, जैसा आप सभी लोग को पता है, मसूरी जो है एक हमारे उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है
और यहाँ का एक हेरिटेज रहा है कि हम लोग हर वर्ष विंटर लाइन कार्निवल करते रहे हैं। पिछले वर्ष ये कोरोना के दृष्टिगत नहीं हो पाया था। इस वर्ष जो है हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ और सारे नियमों का अनुपालन करते हुए एक सांकेतिक रूप से विंटर लाइन कार्निवल, क्योंकि ये हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, तो हम लोग इसको करने के लिए आज हमने बैठक बुलाई है। उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, कैसे हम इसको कंडक्ट करेंगे, वो सारी व्यवस्था जो हमारे विंटर लाइन कार्निवल सोसाइटी है उसके माध्यम से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अभी आ चुकी पहली बैठक है, तो कार्यक्रमों के बारे में और कार्यक्रम को करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज हैं उसके विषय में आज जो है हमारी चर्चा हो रही है। देखिए, जैसा लक्सर के बालावली गांव में कुछ रोज पहले खेत में जा रहे किसान की ट्रैक्टर से उतार कर दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें परिजनों की ओर से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन लक्सर कोतवाली पुलिस अभी तक किसी भी हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी न होने को लेकर गुस्साए परिजन आज सैकड़ों की संख्या में लक्सर कोतवाली पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। गुस्साए परिजनों ने कोतवाली गेट पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिगड़ते मामले में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हस्तक्षेप किया और मामले को सुलझाने की कोशिश की। खानपुर विधायक ने DGP अशोक कुमार, पुलिस कप्तान डॉक्टर योगेंद्र रावत व लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी PS चौहान के साथ एक बैठक की, जिसमें इस बात पर सहमति जताई गई और लक्सर पुलिस तत्काल आरोपियों के खिलाफ कुर्की करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही आरोपियों पर इनाम की घोषणा की जाएगी और पूरे मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंप दी गई। जब इस पूरे मामले की जानकारी हंगामा काट रहे परिजनों को दी गई, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि लक्सर पुलिस ने हमारी तीनों बातें मान ली हैं, जिन्हें जल्दी ही अमली जामा पहनाया जाएगा। जहां पुलिस कप्तान योगेंद्र रावत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, हत्या आरोपियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। आज पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी ने लक्सर में जनता जनसंवाद आयोजित किया, जिसमें पूरी जनपद से जो शिकायत करता थे, जो बेचारे मुलाकाती थे, वो आए, अपनी बातें उन्होंने रखी। बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा। मैंने कंसेप्ट में वो चीज़ उठाई थी, ये जो घटना हुई है इस घटना का हम विरोध करते हैं और आपको जो आमूलचूल परिवर्तन करना है वो करिए। तो DG अशोक कुमार जी एक बड़े एक्सेप्शनल IPS अफसर हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बगैर कहे बात को समझ लेते हैं। इन्होंने आते ही उसकी जाँच चेंज कर दी, जाँच अब CO मंगलौर करेंगे इस केस की। दूसरी हमारी मांग ये थी कि उनके ऊपर इनाम घोषित किया जाए, तत्काल DG साहब ने उसमें इनाम घोषित करा दिया। आज शाम को SSP अजमेर। आज विकास नगर के एक निजी होटल में भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र बसीन ने पत्रकार से वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में भाजपा के नवीन ठाकुर, अरुण वेत्तल, रोहित ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता देवेंद्र बसीन ने कहा कि भाजपा सरकार की तरफ से सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करते हुए स्मारक और सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। साथ ही वन रैक वन पेंशन को लागू करके सैनिकों की दशकों पुरानी मांग और भाजपा सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में 30% वृद्धि करी है। जहाँ भाजपा सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा स्तर की उत्कृष्टता की दृष्टि से 188 सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा देश के वीरों में रही है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच में जा रही है और हमारा विश्वास है कि अगले विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः उत्तराखंड की जनता भाजपा को अपना समर्थन देगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो जहाँ एक ओर भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे ले जा रहा है और वहीं कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, चाहे डबल इंजन के रूप में दोनों स्थानों पर रही, चाहे अकेले प्रदेश में रही, उसने उत्तराखंड का केवल विनाश किया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र बनबसा पहुंचे, जहां महामहिम ने बनबसा स्थित NHPC
गेस्ट हाउस में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों व सीमांत क्षेत्र के तैनात एसएसपी आदि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सीमांत क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। महामहिम गुरमीत सिंह अपने सेना से जुड़े कार्यकाल के दौरान 1996 से 1999 तक बनबसा आर्मी कैंट में बतौर कंपनी कमांडर बनबसा आर्मी कैंट में तैनात रहे हैं। राज्यपाल ने एनएचपीसी गेस्ट हाउस में जनपद की सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। इस क्षेत्र में कार्य किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनपद में वन्य उत्पादों व जड़ी बूटियों आदि के व्यापार विकसित करने के पर्याप्त साधन है। जहां इसके साथ ही अधिकारियों से मीटिंग के बाद महामहिम ने स्थानीय पूर्व सैनिकों एवं स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों के साथ वार्ता कर सीमांत क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं के बारे में जानकारी ली। पहली बात तो यह है कि मैं 22 साल के बाद में बनबसा में आया हूँ। 96 से 99 तक यहाँ मैंने पल्टन कमांड की थी और चंपावत और बनबसा और आसपास के जो इलाके हैं टनकपुर खटीमा नानक माता इससे बहुत अलग प्यार रहा है। और यहाँ पर जो सीखा है यहाँ पर पूरे जितने भी लोग यहाँ के हैं इनके साथ में बहुत डीपली इंटरेक्ट किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99 से लेकर आज तक 22 साल हो गए हैं अभी भी मैं 10-15 फैमिलीज हैं जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का ज्ञान कर सकते हैं कि किस गहराई से मैं इस इलाके से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे आने का मकसद ये था कि जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अहदेदार हैं स्पेशली DM साहब SP साहब जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो CDO साहब हैं उनसे डिटेल से ब्रीफिंग लूँ ताकि इस चीज़ को मैं ज्ञात कर सकूं कि उनके विजन और मिशन क्या है और किन किन चीज़ों पर मैं उनकी मदद कर सकता हूं एज ए गवर्नर। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।